नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं सात नवंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज रविवार है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीय तिथि है जो सायंकाल चार बज करके इक्कीस मिनट तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है ज्येष्ठा नक्षत्र है रात्रि नौ बज करके पांच मिनट तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है अतिगंड योग गर करण है बात हुई पंचांग की चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रात्रि नौ बज करके पांच मिनट तक और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में ग्यारह बज करके बीस मिनट से दोपहर बारह बज करके तीन मिनट तक का होगा तो वहीं काल शाम साढ़े चार बजे से छह बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए दर्शकों आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं तो भुवन भास्कर की आराधना करेंगे वहीं आपको आज जन्म कुंडली में कमजोर बुध को ठीक करने का सबसे सरलतम उपाय आपको बताने जा रहा हूं तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं बुध मंगल और सूर्य ये तीन ग्रह युति बनाकर तुला राशि में चंद्रमा और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं तो वहीं शुक्र राशि में देव गुरु बृहस्पति शनिदेव के साथ युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ग्रह स्थिति सब यथावत है चंद्रमा बस आज बुध के नक्षत्र में है तो रविवार का दिन छुट्टी का दिन है बुध के नक्षत्र में चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे बाकी की ग्रह स्थितियाँ आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से आपको आज बचना चाहिए कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आपको आज करना चाहिए इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो ये है ग्रह स्थिति इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है दैनिक राशिफल तैयार किया है वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं प्रिय दर्शकों एक बेहद सरल उपाय बुद्ध कितना भी कुंडली में कमज़ोर हो समझ लीजिए ये उपाय पन्ना से भी कहीं बेहतर काम करता है कि अगर ऐसे बालक को ऐसे व्यक्ति को जो मार्केटिंग वाला है ऐसा बालक जिसको बोलने में तकलीफ आ रही है ऐसा बालक जिसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर पड़ रही है हर कोई जो अपने बुद्ध को ठीक करना चाहता है वो कहीं से भी शुद्ध गोरोचन ढूंढे पता करने पर ढूंढने पर शुद्ध गोरोचन आपको प्राप्त हो जाएगा अगर गोरोचन का तिलक नित्य या विशेषकर बुधवार के बुधवार किया जाए वैसे तो मैं नित्य, तो बुद्ध जन्म कुंडली में कितना भी कमजोर हो यह पन्ना से भी बेहतर लाभ करता है और यह बुद्ध को शीघ्र ही ठीक कर देता है क्योंकि आप मेरे कार्यक्रम अगर बहुत लंबे समय से देख रहे हैं तो आपने सदैव ग्रहों को तत्व तो के रूप में आप मुझसे समझा है तो इस तत्व को जो कमजोर स्थिति में है या वो गलत प्रभाव दे रहा है ठीक कर देगा तो गोरोचन का इस्तेमाल करके देखिए तिलक लगाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए लाल रंग का ही आसन होना चाहिए आपके पास और लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्र पात्र में जल लेकर के पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाइए सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए अपने गुरु का ध्यान करिए त्रिरा इसके बार तीन बार आचमन करिए श्रीहरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए आसन पर जल छिड़किए और इसके पश्चात हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं आप आज्ञा प्रदान करें जैसे ही क्षेत्र के अधिपति भैरव जी आपको आज्ञा दे देते हैं दाहिने हाथ में जल लीजिए बाएं हाथ से इस जल को ढक लीजिए और तीन बार गायत्री मंत्र पढ़िए आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात प्राणायाम करना है प्राणायाम की विधि आप सभी मेरे दर्शक जानते हैं रेचक कुंभक पूरक प्राणायाम की विधि जो मेरे दर्शक नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं। यहाँ पर प्राणायाम की संपूर्ण विधि आपको मिल जाएगी और फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के संपूर्ण विधि का ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब पर ही आकर के मिलेगा तो प्राणायाम जब आपने कर लिया

ओम ब्रह्मस्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके यही मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए तीन बार आसन पर बैठ जाइए और अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए ग्यारह इक्कीस इक्यावन एक सौ आठ जितना आपसे हो सके सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी तो अभी तक अगर आप भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से वंचित हैं तो विलंब मत करिए भुवन भास्कर की आराधना सबको करनी है शीघ्र ही प्रारंभ करिए कार्तिक मास है श्रेष्ठ मास है इसी मास से प्रारंभ कर दीजिए चलते हैं अब राशिफल की ओर बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है आज भी आपको सावधान ही रहना है वैसे तो छुट्टी का दिन है ज्यादातर लोगों की छुट्टी ही चल रही है पर अब अगर आप कोई भी अचानक कदम उठाने की सोच रहे हैं बिल्कुल मत उठाइए नुकसान में पड़ेंगे किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो समस्या पर नए सिरे से विचार करिए ताकि आपको उसका समाधान मिल जाए और जरूरत पड़ने पर अपना आज जो दिन है हल्के फुल्के ढंग से बिताइए दोस्तों से मित्रों से परिवार के सदस्यों के साथ शांति से जैसे भी बीत जाए वैसे ही आज इस दिन को बिताना है कोई बड़ा कदम नहीं उठाना व्यापारियों के लिए भी सामान्य रहने वाला है दिन मेहनत का उचित परिणाम नहीं मिलेगा सो आप पुनः यही बात कहूंगा दीर्घकालिक योजना बनाइए जल्दबाजी में कुछ सोच रहे हैं कोई निर्णय ले रहे हैं आज के आज काम बन जाए आज के आज लाभ मिल जाए ऐसा नहीं होगा प्रेम संबंध में विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है हालांकि शाम तक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी लेकिन फिर भी परेशानी दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज सामान्य है दिन मन पढ़ाई में कम लगेगा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी रहेंगी थकान आलस्य या कहीं ना कहीं मन की अशांति दिखाई पड़ रही है लकी अंक आपके लिए आज दो लकी कलर है आपके लिए आज लाल है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब पर प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी वृषभ की बात करें तो चंद्रमा का राशि से आज सप्तमस्त होना आज पैसे से जुड़ा घर से जुड़ा जो भी उलझन थी परेशानी थी उसमें कहीं ना कहीं राहत लेकर के आ रहा है दिन परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है या यूं कहे कि पूर्व के किए प्रयासों का आपको फायदा मिलने वाला है यात्रा कर सकते हैं यात्रा आपके लिए लाभप्रद है लेकिन यात्रा की तैयारी पहले से कर लीजिएगा व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः से आपको बचना होगा दिखावे से बड़बोलेपन से आपको नुकसान होगा किसी से किसी भी तरह से बहसबाजी में आज वृषभ राशि के जातक न पड़े प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन प्रेमी पर खर्चा आज थोड़ा ज्यादा होगा दाम्पत्य जीवन भी सुखद और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है दिन कन्फ्यूजन संशय की स्थिति है किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए भाग लेकर के सफल होने के लिए नहीं है आज का दिन यानी यहां पर सफलता नहीं मिलेगी या यूं कहें कि सामान्य है दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी सुस्ती थकान आप पर हावी होगी लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी मिथुन की बात करें तो चंद्रमा का राशि से ष्ठ में होना दिन भर आपको व्यस्तता देने वाला है ये पार्टनरशिप के संबंध में अगर कोई समस्या है पार्टनरशिप में आप काम करते हैं जीवन साथी से प्रेमी से किसी के साथ व्यापारिक पार्टनर से कोई समस्या है उलझन है उसे सुलझाइए आज किसी भी तरह से किसी का अपमान करना कड़वी वाणी का प्रयोग करना इससे आपको बचना होगा और साथ ही साथ सोच अपनी सकारात्मक बना करके रखिए किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं वहाँ पर आपका मान सम्मान होगा व्यापारियों को जरा संभल करके कोई निर्णय लेना चाहिए विशेषकर पैसे का ध्यान रखना चाहिए पैसे के मामले में विवाद की संभावना है किसी भी प्रकार का लेन आज मिथुन राशि के जातक ना करें वाहन चलाते समय लापरवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि दुर्घटना की प्रबल संभावना है और जीवन साथी से मतभेद मत करिए जीवन साथी की भावनाओं को समझिए उनका अपमान मत करिए विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक ठाक रहने वाला है दिन घर में रह करके अच्छी पढ़ाई आज आपकी होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है चोट चपेट की घटना थकान या कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है लकी अंक आठ लकी कलर आपके लिए आज पीला है भुवन गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी कर्क की बात करें तो आगे बढ़िए आपके लिए सामान्यतया ठीक है दिन बहुत अच्छा नहीं है सामान्यतया ठीक है कल अगर देखें तो कल की अपेक्षा दिन और थोड़ा कम ही ठीक है अगर कल सत्तर प्रतिशत ठीक था तो आज के दिन को मैं लगभग पैंतालीस से पचास प्रतिशत ही कहूँगा लेकिन चूंकि चिंता की आवश्यकता नहीं क्योंकि घर में ही है परिवार के साथ ही हैं सो ऐसा माहौल घर का क्रिएट करिए कि बेहद आनंददायी बीत जाए समय वैसे भी त्यौहारों का समय चल रहा है तो आसानी से बीत जाएगा जो भी आपके पास ऊर्जा है अपनी ऊर्जा का प्रयोग घर परिवार से संबंध में लगाइए घर परि घर को ठीक करने में घर के जो, जो काम हैं जो छूटे हुए काम हैं घर की मरम्मत या जो भी चीज़ बाकी रह गई है उसी को ठीक करने में लगाइए क्रोध से बचिए व्यापारियों के लिए विभिन्न सामान्यतः ठीक है कारोबार में आज उचित सहयोग नहीं मिलेगा काम पूरे होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं किसी विवाद को लेकर के जिद्द मत करिए और कहीं किसी बात को लेकर के मन में अगर संशय है किसी से कहने की सोच तो रहें लेकिन मन में संशय है तो मत ही कहिए अभी दिन समय उचित नहीं है अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मत भेजिए प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दाम्पत्य जीवन भी सामान्य ही है विद्यार्थियों की बात करूँ तो जरूरत पड़ने पर आपको सीनियर से मदद मिल सकती है आप प्रयत्न करिए इस मामले में आपको सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से राहत है तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है पुराने रोगों से राहत आपको मिलेगी लकी अंक आपके लिए साथ लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात की करें तो आपके लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ नहीं कहूंगा आपको शांति से निकालने की कोशिश करनी चाहिए हालांकि परिवार का सहयोग मिलेगा लेकिन किसी भी तरह के बाहरी कार्यों को करने के लिए सामाजिक कार्यों को करने के लिए राय इतनी ही है कि पूरा का पूरा समय आपका आपके परिवार के साथ घर में ही बीते कोई नया कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो मत करिए कार्य में बाधा उत्पन्न होगी व्यापारियों को कोई नया काम शुरू करने से बचना चाहिए और कोई बहुत अधिक मेहनत वाला लंबे समय तक चलने वाला काम न तो हाथ में लीजिए न करिए न प्रारंभ करिए व्यापारियों का पैसा कहीं फंस सकता है सावधान रहिए और अपनों की बात को सुनिए जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात को सुनिए उस पर विचार करिए उनकी बात को काटिए मत प्रेम संबंध में ठीक ही दिन है दिन कहीं कोई समस्या है मतभेद है तो समझ लीजिए शाम तक की स्थिति ठीक होगी विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन लेकिन सफलता मिलेगी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात कन्या कर की करें तो सोचे हुए कार्य का पूरा प्रतिफल मिलेगा मेहनत करते हैं तो हर कार्य बनेगा और आज के लिए मैं कह सकता हूँ कि बेहद श्रेष्ठ अत्यंत श्रेष्ठ है समय या यूँ समझ लीजिए कि लंबे समय से किसी अच्छे दिन का इंतजार कर रहे थे तो आज का दिन है मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा घर में भी बहुत बढ़िया समय मिलेगा बाहर हैं तो बाहर घर में हैं तो घर में अच्छा दिन बीतने वाला है घर परिवार को लेकर के कुछ करना चाहते हैं कोई खरीदारी इत्यादि करना चाहते हैं आज करिए व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है आज का दिन आपको यूँ समझ लीजिए कि बेहद आसानी से शांति के साथ प्रेम से ही निकल जाएगा जीवन साथी के साथ कोई पुरानी अनबन चली आ रही थी वो खत्म हो जाएगी प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों को जरूर आज थोड़ी टेंशन रहने वाली है स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी जैसे विशेष करके पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है तो पेट से संबंधित परेशानियों से सावधान रहना होगा लकी अंक दो लकी कलर आपके लिए आज मैरून है भुवन भास्कर कर प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी तुला की बात करें तो चंद्रमा का राशि से द्वितीय स्थ होना ठीक है दिन आपके लिए मैं दिन को अच्छा कह रहा हूँ कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिल सकता है लाभ की संभावना है सोच में आपके सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं सकारात्मक सोच आपकी बनने वाली है ज्यादातर फैसले आपके सही दिखाई पड़ रहे हैं तो वहीं बच्चों के साथ आप घर में आज है तो अच्छा समय बीतने वाला है खुशी प्रदायक है आज का दिन भविष्य को लेकर के कोई योजना भविष्य में कहीं निवेश को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं तो आज बनाइए व्यापारियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है दिन व्यापार में लाभ रहेगा आज किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी जिससे आने वाले दिनों के लिए भविष्य को लेकर के चर्चा होगी प्रेम संबंध मधुर रहने वाला है और वहीं दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद बात अगर तुला राशि के विद्यार्थियों की करें तो आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपकी होगी मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी तब जाकर के सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत और चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है सो जरा सावधान रहिएगा लकी अंक आपके लिए चार लकी कलर क्रीम है भुवन भास्कर को प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी वृश्चिक की बात करें तो आत्मविश्वास में कमी किसी न किसी तरह की चिंता और कोई एक ऐसी सूचना भी आज आपको मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे आज का दिन कुछ यूं बीतेगा जैसे छुट्टी का दिन है एक शांति से ही बीत जाने वाला है दिन ऊर्जा जो होनी चाहिए एक खुशी जो होनी चाहिए वो भीतर से दिखाई नहीं पड़ रही है वहीं घर परिवार से लेकर के से जुड़ी कोई परेशानी आज आपको परेशान करती रहेगी पूरे दिन सामान्य रहने वाला है दिन संयम बनाए रखिए धैर्य रखिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं आने वाले दिनों में स्थिति बदलेगी व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापार को लेकर के पूरी तरह से सावधान रहना होगा व्यापार में आज परेशानी की प्रबल संभावना है काम काज ज्यादा होगा थोड़ी बहुत परेशानियां भी निरंतर आएंगी बाधाएं विघ्न उत्पन्न होते रहेंगे किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देना है इस मामले में जरा आप सतर्क रहिए सावधान रहिए प्रेम संबंध के मामले में वृश्चिक राशि के जातक आज बहुत सतर्क रहे पुराना प्रेम संबंध टूट सकता है तो प्रेमी से बातचीत करते समय सतर्क रहना होगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा जितना हो सके मेहनत करिए जीवन साथी की सेहत में आज परेशानी आ सकती है जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है आपको नींद से संबंधित परेशानी हो सकती है तो जरा अपने स्वास्थ्य का अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा लकी अंक नौ लकी कलर आपके लिए आज पीला है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और बात वही धनु की करें तो कल के समान भी आज का दिन है बहुत ज़्यादा सकारात्मक आपको बने रहना है छोटी मोटी परेशानियाँ रुकावटें समस्याएँ उलझने आती रहेंगी हालांकि आपको इन सबको छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है आगे बढ़ने का यही समय है लेकिन मैं समझता हूँ कि ये समय इतना आसान नहीं होने वाला है कामकाज से जुड़े नए नए विचार आपके मन में आएंगे व्यर्थ के व्यय से बचिए लेकिन कहीं ना तो कोई बड़ा निवेश करना है ना कोई कदम उठाना है इन सभी मामलों में आज बेहद सतर्क और सावधान रहिए व्यापारियों के लिए भी सामान्य देख रहा हूँ रहिए और केवल संदेह के आधार पर किसी को लेकर के कोई टीका टिप्पणी करना करना सुनी सुनाई बात बात किसी और से कह देना इधर की बात उधर इससे बचिए प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और वही दाम्पत्य जीवन भी सामान्य दिखाई पड़ रहा है हालांकि जीवन साथी से सहयोग मिलेगा विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन तो आप लगाने का प्रयत्न करेंगे लेकिन भ्रम की स्थिति दिखाई पड़ रही है मन बार बार भटकेगा बटता रहेगा पढ़ाई के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है लकी अंक आपके लिए आज आठ लकी कलर हल्का पीला है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और मकर की बात करें तो आज का दिन कल के समान ही लाभप्रद रहने वाला है रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है धन प्राप्त प्राप्ति के प्रबल योग हैं खुशी प्रदायक है दिन पारिवारिक जीवन में सुधार प्रेम संबंध में सफलता आज दिन भर व्यस्त तो रहेंगे लेकिन बढ़िया है दिन अपना शौक भी पूरा करेंगे अपने परिवार को समय भी देंगे जो आपके जरूरी काम है वो भी पूरी पूरा करेंगे व्यापारियों के लिए अति उत्तम रहने वाला है दिन बस भावनाओं में बह करके किसी से कोई वादा मत करिएगा और लव लाइफ के लिए देखा जाए तो आज का दिन अति उत्तम रहने वाला है चाहे वो प्रेम संबंध हो दाम्पत्य जीवन हो बढ़िया रहने वाला है दिन कोई उलझन है वो सुलझ जाएगी प्रेमी से बैठ करके बातचीत करिए प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है दिन मेहनत से पीछे मत हटिए स्वास्थ्य के मामले में एसिडिटी पेट में जलन की शिकायत हो सकती है और जोड़ों में दर्द से आपको राहत मिलेगी लकी अंक आपके लिए छः लकी कलर आपके लिए आज पिंक है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और अगर बात कुंभ की करें तो अति उत्तम हर तरह से दिन शुभ कल भी बढ़िया, आज भी बढ़िया बढ़िया आज कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है नौकरी से संबंधित कोई चिंता थी वो चिंता दूर हो जाए उच्च अधिकारियों से छुट्टी के बावजूद आज फोन पर बात हो कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो कर सकते हैं दिन बढ़िया रहने वाला है सुखद रहने वाला है यात्रा कर सकते हैं यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो बात बनेगी नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है दिन जैसा मैंने कहा कि कोई शुभ संकेत शीघ्र ही मिलने वाला है व्यापारियों के लिए सुखद है दिन जो भी अधूरे काम आपके थे उन्हें पूरा करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए वो काम पूरे होंगे स्थायी होंगे और मन में किसी बात को लेकर के अगर घुटन है चिंता है तो उसे मन में मत रखिए अपने जो शुभ चिंतक है जीवन साथी माता पिता उनसे कहिए प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है प्रेमी से सहयोग प्रेम मिलेगा विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी विद्यार्थियों को खुशी मिलेगी पढ़ाई में मन लगेगा और दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है हाँ अगर आपके माता पिता या घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके जोड़ में तकलीफ हो सकती है इसके चलते आप थोड़े परेशान हो तो अलग बात लकी अंक आपके लिए आठ लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी और चर्चा मीन की करें तो कल के समान आज भी आपको बेहद सचेत सावधान रहना होगा हालांकि सोचे हुए काम आज पूर्ण होंगे कल की अपेक्षा कुछ दिन ठीक है कुछ नया करने की शुरू करने की सोच रहे मत करिए हर मामले में मेहनत करने से पीछे मत हटिए फल मिलेगा लेकिन बहुत विलंब से अपने काम के लिए आप शीघ्र ही पुरस्कृत होंगे लेकिन थोड़ा समय दीजिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखिए व्यापारियों के लिए सामान्य शुभ रहने वाला है दिन कोई भी बड़ा निवेश नहीं करना कोई बड़ी योजना बनानी है बनाइए परंतु कदम मत उठाइए और संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की हामी तो बिल्कुल ही मत भरी भावनाओं में बहकर कर के निर्णय नहीं लेना होगा प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है परंतु प्रेमी की भावनाओं का मजाक मत बनाइए विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उत्तम रहने वाला है दिन मन पढ़ाई में लगेगा विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया दिन और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज पैरों में तकलीफ दिखाई पड़ रही है पिता का अपमान मत करिएगा पिता से अनबन मत करिएगा लकी अंक आपके लिए आज दो है लकी कलर आपके लिए आज पिंक है भुवन भास्कर कर प्रदान करिए गायत्री मंत्र का जब और प्राणायाम करिए सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी तो प्रिय दर्शकों यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार